अरे वाह, ये देखो। अरे हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। रात को बहुत ही तेज़ बारिश हुई है और बहुत लंबी तक चली है। और भाई ये देखो, सुबह उठाओ तो मुझे क्या मिला है, ये देखो भाई, ये पक्षी है। और मेरे को लगता है रात को काफ़ी ये भीग गया और अब इससे उड़ा भी नहीं जा रहा। बहुत ही प्यारा पक्षी भाई। तो गाइस ये देखो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ पास से। बहुत ही प्यारा पक्षी है भाई, ये देखो कितना सुंदर है ये। और इसको कोई ना कोई, मतलब ज़्यादा इसको दिक्कत नहीं लग रही, थोड़ा थोड़ा ये उड़ रहा है। पर थोड़ा पानी में ज़्यादा भीग गया लगता है, रात को काफ़ी तेज़ बारिश हुई, इसको छुपने के लिए जगह नहीं मिली, या ये ऊपर से कहीं से गिर गया। कितना आराम से बैठा है अभी ये। और इसकी चोंच देखो भाई, कितनी लंबी है। एक बार तो मुझे डर लग रहा था कहीं से नहीं चोंच मार दी ना, पर फिर भी मैंने इसको पकड़ लिया। कितना आराम से बैठा है यार ये देखो। और करीब से दिखाता हूँ, ये देखो। और ये देखो भाई, कितनी मस्ती से। अब तो इसके पंख मैंने काफ़ी सुखा दिए, जब मैंने इसको पकड़ा था ना तो पूरा गीला हो रखा था, ये पूरे पंख इसके भीगे हुए थे, पानी से बिल्कुल भी नहीं उड़ पा रहा था। अब तो थोड़ा थोड़ा फिर भी उड़ने लग गया। अभी मैं इसको नीचे छोड़ूंगा ना, तब देखना ये। और देखो कितना प्यारा, देखो भाई कितना मासूम सा है ये। वाह, क्या नाम है तेरा? टिंग टिंग। अरे वाह, टिंग टिंग, ये सही है। ये हमारे घर के आसपास ऐसे काफ़ी सारी चिड़ियाँ हैं इस कलर की, तो रात को ये घायल होगी भाई। तो भाई अभी मैं इसको नीचे छोड़ता हूँ, फिर देखता हूँ इसमें कुछ थोड़ी बहुत पावर वापस आई है कि नहीं आई है। अरे वाह, ये देखो, अरे अरे उड़ गया। अरे सही में, मतलब इसके पंख खाली गीले थे और जैसे मैंने इसके पंखों को पहुँचा ना, तो भाई ये तो उड़ने लगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। अरे उधर नीचे जाया जाएगा, बाहर निकल। मुश्किल से पंख सुखाए थे, फिर गिले कर लिए, चल बाहर आ। चलो, अरे अब तो ये चोंच मारने लगी मेरे, ये देखो कैसे करती है, ये देखो। पानी में जाने को थोड़ी बोला था मैं अंदर को, हैं पानी में चलेगी ना, फिर से हो गया पंख गीला। चलो सूखे में चलो, यहाँ पे रहना है, ठीक है। चलो यहाँ पे बैठो आराम से, खाना खिलाएंगे फिर, ठीक है। कुछ खाने को मिला? कुछ खाने को मिला? नहीं मिला। कैसे खाई? ऐसे ऐसे नहीं खाना। चलो ठीक, पर इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ, पानी में फिर उड़ेगी तो फिर हो जाएगी। चल बैठ जाइए यहीं पे, कहीं नहीं जाना, बस यहाँ बैठे रहो। तो भाई अब इसकी मैं ना एक फ़ोटो खींच लेता हूँ बढ़िया सी। तो गाइस मुझे लगता है चिड़िया को कुछ नहीं हुआ था, और खाली ज़्यादा भीगने की वजह से उड़ नहीं पा रही थी। मैंने इसके पंखों को सुखा दिया और अब ये थोड़ा थोड़ा उड़ना शुरू होगी। थोड़ी देर में इसकी जैसे घबराहट दूर होगी और ज़्यादा सूखेगी इसके पंख, ये फिर से उड़ जाएगी। भाई ये देखो कितने आराम से बैठे हैं, तो थोड़ी देर में ये उड़ती जाएगी, थोड़ी देर बाद आके देख लूँगा मैं। अभी टाइम हुआ लगभग 7 बजे के आसपास। तो भाई ये देखो भाई, 7:45 हो गए, करीब करीब 45 मिनट हो गए पक्षी को वहाँ छोड़ गए, तो अभी चल के देख के आते हैं क्या होता है। तो भाई अभी यहाँ पे आके देखा, यहाँ पे चिड़िया नहीं है, मैं तो यहीं छोड़ के गया था, तो मुझे लगता है वो ठीक हो गई और उड़ गई, चलो अच्छी बात है। हेलो गाइस, तो चिड़िया अब यहाँ पे नहीं है, मतलब वो ठीक होके उड़ चुकी है, तो चलो ये भी अच्छी बात है। तो गाइस हमारा आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।